शेविद्धराव जी मैम, क्या कर रहे हो तुम? नीलम मैम के लिए सलाद बना रहा था। सलाद? बेसिल लीव्स डाले हैं उसके अंदर, तुलसी के पत्ते मॉम को बहुत पसंद है, तो जाओ लेके आओ। मैम लाने की जरूरत नहीं है, शायद फ्रिज में है। नहीं नहीं फ्रिज वाले नहीं, वो पुराने होंगे, उसमें खुशबू नहीं होती है। तुम जाओ बाहर से फ्रेश लेके आओ, और हो सके तो ऑर्गेनिक लेके आना, ऑर्गेनिक फार्म, ज्यादा दूर नहीं, जाओ। ओके। लक्ष्मी तुम्हें पारो बुला रही थी। पता है? पता है, पर मैंने तो झूठ बोला ताकि यहाँ से चली जाए, लेकिन मतलब मुझे पता है कि पारो मुझे क्यों बुला रही होगी। भूख लग रही होगी, उसे मालपुए चाहिए होंगे, पर उसे कौन समझाए कि इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तुम समझा दो, तुम्हारी बेटी है ना, जाओ समझाओ उसे। वो तो छोटी है, बच्ची है, बचपना करेगी ना, पर तुम तो बड़ी हो। तुमसे किसी ने राय मांगी? मैंने पूछा तुमसे कि मुझे किसी को क्या समझाना चाहिए क्या नहीं? मेरी बच्ची है, मैं समझा लूँगी। तुम क्यों बता रही हो मुझे ये सब कुछ, बल्कि तुम मुझसे बात ही क्यों कर रही हो? अरे मैं तो बस देखो मलिष्का, हम दोनों कोई दोस्त नहीं, और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, तो इसकी कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अभी तक यहीं खड़ी हो, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी? प्लीज जाओ यहाँ से, या फिर समझाना पड़ेगा कि बचपना कौन कर रहा है। But you're impossible. पारो आराम से भाग मत, बस दो मिनट और रुक जा, भी दे रही हूँ मालपुआ। नहीं माँ, मैं यहाँ मालपुआ के लिए नहीं, आपके लिए आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, आपको बुलाया सीली ने, एक अंकल आए, वो कह रहे उनको मिलने इस घर की बहू से। बहू? हाँ बहू, इस घर के बहू। आप बहू, आपको पता नहीं है माँ, वो ना एक औजा होता है। अच्छा। माँ चलो ना जल्दी। अच्छा एक मिनट रुक जा बेटा। माँ बस जल्दी चलो। माँ एक मिनट रुक जा, गैस बंद करने दे। अरे माँ चलो ना जल्दी। हो गया, अब चलो। चल। जल्दी चलो, चलो। गुड न्यूज एवरीवन, मैंने अभी जस्ट सीएम मैडम से बात की, उन्होंने कल के लिए टाइम कंफर्म कर दिया है, वो कल शाम 11 बजे आ जाएंगे। दैट्स ग्रेट, तब तक सारे अरेंजमेंट्स भी हो जाएंगे। अरेंजमेंट के साथ एक चीज़ और भाई, देखो जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है। आप तो जानते हो हमारी सीएम मैडम भी एक महिला है, और वो महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट भी करती हैं, तो महिलाएँ होंगी तो वो खुश हो जाएंगी, और उसमें हमारा भी फायदा है। अच्छा ऋषि, मैंने सुना है कि तुमने किसी फीमेल मैनेजर को अपॉइंट किया है, भाई मेरी मानो तो उस फीमेल मैनेजर को भी बुलवा लो। हेलो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। हेलो कोई बात नहीं, लेट हो गए तो क्या हुआ, अरे भाई ट्रैफिक तो होता ही है ना। ट्रैफिक में कहाँ रहती हैं आप? अब देखो ना, मैं जुहू से आ रहा हूँ, हाँ वहाँ पे तो भयंकर ट्रैफिक था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ रहती हैं और कहाँ से आ रही हैं। मैं तो यहीं रहती हूँ। ओ मतलब तुम्हारी मैनेजर यहीं रहती है? नहीं, तुमने क्या कोई नई मदद शुरू की है? नहीं नहीं वो मैनेजर नहीं है, मलिष्का। माँ आ गई, खाना बना रही थी माँ। वो आप क्या कह रहे थे? हाँ घर की बहू। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते। क्या बात है ऋषि, ये तो मेरा मतलब है, इन्हें देख के तो लग रहा है कि साक्षात घर की लक्ष्मी का ही रूप है। आदर्श माँ बेटी बहू सभी इसी रूप में तो हैं। देखो ना, इतने बड़े घर की बहू और गृहस्थी चलाने वाली घरेलू महिला भी, भाई ये तो साक्षात भारतीय नारी का प्रतीक है। भाई मैं तो धन्य हो गया इनसे मिलकर, वेरी इंप्रेस्ड, इतने बड़े आदमी की पत्नी और किचन में खाना बना रही है। नहीं नहीं ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी आजकल के टाइम में ऐसी महिलाएं जो आधुनिक भी हैं और अपनी जड़ों के साथ जुड़ी भी हैं, बहुत बड़ी बात है। सीएम मैडम को भी ऐसी क्वालिटीज बहुत पसंद है, आई एम श्योर जब वो आपसे मिलेंगी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझसे? हाँ, कल आपके होटल का बहुत बड़े लेवल में इनॉग्रेशन होने वाला है फिर से, और सीएम मैडम वहां आ रही है झंडा फहराने के लिए।
आपके घर के बारे में सबसे अच्छी बात तो यही है, ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना कोई गलत धारणाएं हैं। इवन मैडम को भी ऐसे ही प्रभावशाली चरित्र की महिलाएं बहुत पसंद है। इवन अभी उन्होंने मुझसे फोन में कहा, जब वो आएंगी सबसे पहले लक्ष्मी जी से मिलना चाहती है। लक्ष्मी से? पर क्यों? वो जानती क्या है इसके बारे में? आई मीन, मिली तो है नहीं पहले कभी? जी हाँ, कभी मिली नहीं है, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ सुना है उन्होंने, और अच्छाइयां भी सुनी है। अच्छाइयां? लेकिन कैसे? आई मीन, कैसी अच्छाइयां? किसने बता दिया उन्हें? देखिए, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, पर उन्होंने जरूर सुना तो है। ऐसे सच बताऊं तो सीएम मैडम यहाँ आ भी रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लक्ष्मी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है ऋषि, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, कि सीएम मैडम तुम्हारी पत्नी से ऑलरेडी इंप्रेस्ड हैं। कि सुलोचना पाटिल जी की मिनिस्ट्री का तो स्लोगन है, जो घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है, और तुम्हारी पत्नी तो इस बात को सच्चा साबित कर रही है। देखो ना, ये बहुत बड़ी मिसाल है, और वही ध्वजारोहण भी करेंगी। तो फिर ये तय है, लक्ष्मी जी वहां आ रही है। को बर्बाद करने में लगी है ना, अब बर्बाद मैं इसे करूंगी। कि मेरी खुशियों में आग लगाना चाहती है ना, अब आग लगेगी उसको, उसकी जिंदगी को, उसके घमंड को और उसकी गंदी चालों को। और करूं क्या, क्या करूं? माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ, छुएगी तो आग लग जाएगी। नहीं नहीं, वो तो उसे यूज ही नहीं करती, कोई फायदा ही नहीं। तो क्या करूं, क्या करूं, करो जिससे कोई स्कोप ही ना बचे। क्या करो? आउच। यस।